बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मौलवी ब्रीदिंग भी और पीछे से भी ब्रीदिंग, वहां से भी छोड़ना सांस छोड़ना हराम, तो पिछवाड़े से भी आपके जो है ना वो भी हराम हो जाता है। सो हमारे साथ हमारे दूसरे भी एक अब ये आए हैं मुल्हिद, इनको भी हम फास्टिंग करवा करवा के आई एम गोइंग टू ब्रिंग हिम टू द राइट मोमेंट। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपके? आपने इस्लाम कब कबूल किया? जी मैं 3 महीने से मैंने रोजे रखे हैं, उसके बाद मैंने देखा कि मैं तो फिट फाट पप्पू बच्ची बन गई हूँ। रोजे अरे 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 1600 साल पहले हमारे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही पता चल गया था कि आप ये करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा ये। अब आप बताइए इसका जवाब क्या देंगे आप? शॉल तो आपने बड़ी प्योर की पहनी हुई है, कहाँ से ली बाजी आपने? ये मैंने इस्लामाबाद से ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शॉल है, बहुत अच्छी शॉल। मरी की तरफ जा रहे थे ना वहां पर, मुझे नहीं पता था मरी में ठंड होगी, तो महाली जी ने उससे छोटे कपड़े पहने हुए थे, तो मैंने कहा थोड़ा कवर भी कर लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे कवर कर लेना अच्छा ही है, वरना कुछ और भी हो जाता है वहां पे, कुछ लोग दरिंदे सिफ्त लोग भी रहते हैं वहां पे। अच्छा किया आपने शॉल ले ली। दरिंदों के साथ ही तो जा रही थी। That's a good one. मैं इतना सीरियस मूड में आया था, आपने बड़े मूड का सत्यानाश कर दिया। तो भाई साहब हमारा जो हमारा जो शैतान है वो 11 महीने जागा होता है, ये तो अभी 1 महीने के लिए बंद किया है मैंने थोड़ी मुश्किलों से, फिर भी देखो मेकअप करके आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मेकअप तो हराम नहीं है ना रमजान में, क्या हराम है? हाँ हराम है मेकअप, नाखून लगाना, ये सब वजू कबूल नहीं होता ना, आपकी लिप्स पे लिपस्टिक लगी हुई है तो लिप्स नहीं, नेल पॉलिश, वो नेल पॉलिश की वजह से वजू कबूल नहीं होता क्योंकि लेयर बन जाती है ना। लिपस्टिक भी तो आपके ऊपर लगी हुई है ना, ये जब तक लिप्स से पानी टच नहीं करेगा ना आपके, ये लेयर लगी हुई है लिपस्टिक की। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेकअप ये देखिए ना, फाउंडेशन और ब्लश लगा हुआ है, मेरे स्किन के अंदर पानी नहीं जा रहा ना, जब तक वो स्किन के अंदर पानी नहीं जाता ना, नाखूनों के अंदर रूट तक नहीं घुसता ना, तब तक इसी वजह से तो हराम है। आप इस्लाम कब कबूल कर रहे हैं? आपने क्यों अपने पकौड़े बनवाने? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज इस्लाम कबूल करता हूँ, रोज उसे थूकता हूँ, ऐसा मसला नहीं है। आप कहें मैं दोबारा कलमा पढ़ने को तैयार हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतने यानी करीब महीने में आप ऐसी गंदी बातें करने आए हैं यहाँ पर? नहीं नहीं हमारे नबी ने कहा फ्रंट पे नहीं थूकना क्योंकि किबला रुख होते हो, राइट साइड पे नहीं थूकना वहां पे फरिश्ता होता है, जब भी थूको अपने पाओ के नीचे थूको, उसको पाओ रख दो। पिछवाड़े पे तो थूकना पड़ता है, थूकने थूकने के भी आदाब दिए हैं हमारे नबी ने, थूकने के भी आदाब दिए माशाल्लाह। भाई साहब फायदा नहीं ना थूकना, अपना क्यों जाया करना है? देखें हर चीज में उन्होंने सोच के जवाब दिया था, उन्होंने कहा अपना थूक आप बचा के रखें, आगे नहीं फेंकें, साइड पे नहीं फेंकें, क्योंकि कभी किसी का पिछवाड़ा मारना होगा ना वहां पे थूक ही काम आता था, उनके पास लूब होता था क्या उस जमाने में? मैडम क्या होता था? सॉरी लूब तो था नहीं यार, तुम्हारे तो जोक ऊपर से गुजर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जमाने में लूब नहीं होता था, पिछवाड़े में किस तरह करोगे रिंग डोंग, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, करा जाता था इधर उधर जाया मत करो, पिछवाड़े के लिए थूक बचा के रखो, वहां थूक सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप इतनी गंदी गंदी बातें ना करें, रोजा चल रहा है इस वक्त और रमजान का बाबरकत महीना है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुम्मी कर सकते हैं आप रोजे के दरमियान में। कहाँ पे? मुंह पे और कहाँ पे? क्या मतलब चुम्मी कहाँ पे की जाती है? मुंह पे की जाती है? चुम्मी तो हर जगह की जाती है, डिपेंड करता है आपको कहाँ करनी है। अरे अरे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आप बहुत अश्लील किस्म की बातें कर लेती हैं। मुंह पे कहाँ पे करनी है आपने? माथे पे करनी है, गाल पे? फ्रेंच किस, फ्रेंच किस, फ्रेंच किस। अच्छा टंग या नो टंग? Yeah, tongue, tongue, yes, tongue. Tongue is good. अच्छा ठीक है, और बस आप, बस यहीं तक है, यहाँ इससे नीचे नहीं जा सकते। ये देखिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारी हजरत आयशा रजी अल्लाह अनहा फरमाती हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو چمی بھی کرتے تھے اور ان کی لسان کو سک بھی کرتے تھے جب وہ سوم میں ہوتے تھے, روزے کی حالت میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, لسان کیا مطلب؟ زبان, زبان فرینچ کسی. اچھا یار, اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. انگریزی آگے, انگریزی آگے, گوگل ٹرانسلیٹ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. The messenger of a god, نہیں اللہ, make Allah's prayer and peace be upon him, used to kiss her while he was fasting and suck her tongue. French kisi karte the wo, roze mein. Roze mein French kisi allowed hai. Achha, bas itna hi allowed hai aur kuch nahi? Aur agar mere jazbaat jaag jaye roze ke dauran to? Achha, uske liye bhi unhone bataya. اس کے لیے ایک اور حدیث لے آتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی کے پاس جو طاقت تھی نا اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ہینڈل کرنے کی, وہ بہت زیادہ تھی. میں وہ دکھا رہا تھا. گائز شیئر کرو, اتنی اچھی انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے تم لوگوں کے ساتھ, یہاں پہ تم لوگ شیئر نہیں کر رہے ہو. یار میں گھر پہ پہنچ کے تم لوگوں کے چتر ماروں گی. اللہ میاں تم لوگوں کو سنا دے گا نا اس وقت کہ آپ اتنی اچھی اسٹریم ہو رہی ہے. آپ یہ نہیں کہ ثواب کما لیں, ثواب کما لو. تھوڑا سا ایک مہینہ ملا ہے اس میں ثواب کما لو, ورنہ میں بتا رہی ہوں جنت میں ہورے ہورے کچھ نہیں ملتی تم کو. میرے سے ہی کام چلانا پڑے گا اس دنیا میں. ارے 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 ارے, نہیں نہیں ایسے نہیں کریں. لیکن ہمارے نبی جب یہ ایسا کرتے تھے تو وہ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھتے تھے, سنبھال سکتے تھے. ان کے اندر اپنے پرائیویٹ پارٹ کو سنبھالنے کی طاقت سب سے زیادہ تھی. تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ جب فرینچ کسی کرتے تھے تو ان کی کھڑی ہو جاتی تھی جذبات. تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. تو وہ کنٹرول کر لیتے تھے. ماشاءاللہ. اچھا, یہ دیکھیے میں حدیث آپ کے سامنے لا رہا ہوں. حدیث نہیں ہو تو پھر کنٹرول نہیں ہو. لیکن روزہ ٹوٹ, پھر روزہ ٹوٹ جائے گا نا. یہ اسکرین دکھائیں, اسکرین دکھائیں. The messenger of Allah used to kiss while he was fasting and who among can control his desire. انہوں نے کہا desire. As messenger Allah used to control his desire. یہ desire کا لفظ جو ہے نا, ارباہو جو ہے یہ, اچھا اس کے لیے بھی مجھے کچھ کرنا پڑے گا تاکہ دکھاؤں کہ desire کیا ہے. یہ اس مسل کو کہتے ہیں جو کہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے, you know. ہمارا تو کبھی کبھار کنٹرول نہیں ہوتا, ایسے ہی نکل گیا تو پھر جائے گا پھر. ویسے آپ دیکھو ہم کو کتنی علامیہ نے ہم لوگوں کو وہ دی ہے کہ ہمیں تو ایک ہفتے کی چھٹی ملتی ہے, ہمیں پورے 30 روزے تھوڑی رکھنے ہوتے ہیں. الحمدللہ. لیکن کتنی اچھی بات ہے, دیکھیں اسلام نے عورتوں کو بڑے حقوق دیے ہیں, ہمارے لیے کتنا خیال رکھا ہے. آپ روزے نہیں, آپ کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں, 7 دن آپ کی چھٹی ہوگی. ہاں یہ تو بڑی زبردست بات ہو گئی, یہ تو بڑی زبردست بات ہو گئی. تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈکشنریز کھول رہا ہوں اس لفظ کے لیے, تو آپ کو تھوڑا سا میرے ساتھ ویٹ کرنا پڑے گا. میں ساری ڈکشنریاں کھول دیتا ہوں جب تک. آئے ہماری پروڈکٹس خریدیے آپ جا کر. اوکے, ہمارے یوٹیوب پہ جائیے, وہاں پہ شاپ ہے, شاپ پہ جا کر. یہ ہمارا جو حلال مہینہ ہے اس پہ آپ ہمارے حرام کپس خریدیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہوں اس پہ آپ کو بام شیل دکھوں گی. یہ سارے کافروں تم لوگوں کے لیے ہے. اوکے, مسلمانوں تم لوگ نہیں خریدنا, یہ کافروں کے لیے صرف. یہ صرف کافروں کے لیے, ان کے پکوڑے بنیں گے. آج کل میں پکوڑے بڑے کھاؤں گی مزے کے. دال روٹی بس ہندو کے لیے ہے کیونکہ وہ ویجیٹیرین ہیں. مسلمانوں کو تو اللہ کا فرمان ہے کہ وہ صرف گوشت کھائیں, بیکاز آل مسلمز آر لائن ٹائیگرز. او بھائی صاحب, کبھی آپ کے دماغ میں آیا کہ بھئی اسلام جہاں سے پیدا ہوا تھا وہاں پر فصلیں نہیں اگتی تھیں, وہاں تھا ہی صرف میٹ. کینیڈا میں یہاں پر پہلے نا جو بہت ٹھنڈی ٹھنڈی جگہیں ہوتی تھیں نا, وہاں پر آپ کا تو ریگستان ہے, وہاں پر آپ کے پاس ہے ہی نہیں نا فصل, کہاں سے اگائیں گے؟ پچھواڑے میں وہ گوشت ہی کھائیں گے نا صرف, اور کیا. صحرا میں رہنے والی قوم تھی یہ, اور کیا. یہ دیکھیے جی, میں نے لیکسیکون کھول لی ہے اس لفظ کی آپ کے سامنے. یہ لفظ جو ہے اس کو ہم نے یہاں سے کاپی کیا, لیکسیکون میں ڈالا, اور یہاں پہ میں نے یہ ساری جو عربک ٹو انگلش ہیں وہ سب کھول لی ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ پہلا والا لنک کیا کہتا ہے ہمارا, آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. یہ چار کے بھی ظاہر ہو جاتا ہے لیکن وہ شدہ گاما کسرہ کو چھوڑ کے ہم دیکھتے ہیں. کاف مسل, ٹھیک ہے, کاف کا مسل بھی کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے. اور سٹونیئر, ڈنٹ برنگ ہم اپ, اوپر لے کے آنا. تو محمد صاحب بڑا کنٹرول کرتے تھے اس کو اوپر لانے والی چیز کو نا, بڑا کنٹرول کرتے تھے. باقی آپ کو سب ملیں الحمدللہ.
यहाँ पे भी इसको काफ मसल के तौर पे लिखा हुआ है, स्टोनियर के तौर पे लिखा गया हुआ है, ठीक है जी, और मल्टीपल इस डिडंट ब्रिंग हिम अप के तौर पे लिखा हुआ है, यू नो उसको ऊपर लेके आना, अच्छा, और क्रोकेट के तौर पे लिखा हुआ है एंड अ बेल्ट, ठीक है। तो ये नहीं, ये जो लफज है ना, ये काफी, अगर आप देखें तो ये असल में इन रियलिटी यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, ये उसकी ख्वाहिशात के लिए यूज नहीं हो रहा, नोट टाई बाउ शेप, ठीक है। ये एक, यानी पता है एक चीज होती है, इसकी कोई एंट्री नहीं है, यहाँ पे से छोड़ देते हैं, अगली एंट्री में देख लेते हैं, अलमानी के अंदर, स्काई हाई ऊपर लेके जाना, टू पीस टू सरेंडर डिसमेंबल हैकल, ऊपर की तरफ, स्काई हाई की तरफ लेके जाना, यू नो। हाँ, मगर आप ही देखो ना कि वो इतने अजीम इंसान थे, किस भी कर लेते थे और कंट्रोल कर लेते, उनका खड़ा ना हो, आप देखो ना, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो वही तो बात कर रहे हैं यहाँ पर। यार आदम जी, आप मुसलमान बन जाए, देखिए हमारे भाई इमादुल इस्लाम भी आए हैं, जो मुझको इनकी एक बात बड़ी बुरी लगती है, मुझे आपके साथ ही बाजी बना देते हैं। बाजी, आप मेरी बात तो सुने, नहीं नहीं आप, मैं तो खुदा जा आपको आते ही अस्सलाम वालेकुम बाजी का, इतना खूबसूरत आपने शॉल लिया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर बोला था सिस्टर, मगर मुझे चंद लोगों से डर लगता है जब मुझे बाजी बोलते हैं, उनके घरों में होता है दिन में बहन भाई, रात में चार भाई, भाई मुझे डर लगता है इसी वजह से। लहूले वाले कुत लहूले वाले, हमारे साथ एक मोमिन है, ये हमेशा आके मेरा दिमाग खाते हैं, आई डोंट नो कि इनकी आपसे कभी बात हुई, इनको ऐड करते हैं। जी शबीर साहब, कोई देखे ना देखे, शबीर जरूर देखेगा। जी शबीर जी, क्या हाल है? हाँ, क्या हाल है? ठीक हो? आ रही आवाज? जी मैं ठीक हूँ। आप बन गए काफिर के, अभी आप मुसलमान ही हैं? ओ, मैं काफिरों की गांडे मारने हैं आज फिर से। लो अपनी यार, क्या बात करनी है यार, और ये ना ये चूड़ा पादरी जो है ना, चूड़ा पादरी रोजे में आप ऐसी जबान कैसे यूज कर रहे हैं? या इस वक्त आप ऑफ रोजा हैं? अभी तो अफ्तार हो गया, लेकिन काफरों की बुन्ने मारना, आप जो है ना, आप स्ट्रीम जो है ना रोजे के दौरान रखा करें, ताकि इस किस्म के गंदी जुबान वाले गंदे लोगों की जुबान जो है ना काबू में रहा करें, लेकिन वैसे तब भी काबू में नहीं रहेंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं, 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 काफरों की बुन्ड मारना रोजे में भी जायज है। एडम जी एक सेकंड, एक सेकंड शबीर जी, एक सेकंड, मगर अल्लाह मियां ने ये कहां कहा है कि भाई जैसी अफ्तार खत्म हो जाए आपका, तो आप दुनिया का हर गली साफ करने के लिए तैयार हो, फिर आपका शैतान बाहर आ जाता है? वो तो शैतान को एक महीने के लिए बंद किया था, ये क्या है? शैतान को सिर्फ सनराइज मुल्हिदों मुल्हिदों की और चूड़े पादरियों की गांड मारना जो है ना, वो जायज है। कहाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ? अब हमें पता है, हमें पता है कहाँ लिखा हुआ, चूड़ा पादरी आया हुआ, झूठ बोल रहा ना तुम, भैन दा लोड़ा, इसकी गांड मारना भी जायज है। देखो रमजान में यार, देखो देखो रमजान आया है, देखो देखो रमजान आया है, मुसलमान आया है, देखो देखो हम क्या करें। देखा है इमादुल इस्लाम जी, आपने देखा? अभी एक और वैसे, वैसे हैरानगी होती है मुझे बाज दफा इन लोगों को देख के और सुन के, कि ये लोग कितने बेगैरत हो चुके हैं कि अपने ही नबी और अपने ही अल्लाह के साथ वो चीजें एसोसिएट कर देते हैं जो कि उसने नहीं कही हुई, ठीक है। तो इतनी बेगैरती का लेवल आ चुका हुआ है इन लोगों को, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी हुई है एक्सट्रीम लेवल की, दे आर फिनिश्ड। मोरली भी फिनिश्ड तो पहले से ही थे, क्योंकि मोहम्मद को मानते थे। पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।